आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। एडीजी राजीव कृष्ण ने पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया। इसके बाद पुलिस कर्मियों को लगन और ईमानदारी से कार्य करने की शपथ भी दिलाई। इस दौरान एडीजी ने अच्छा कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों के साथ साथ शहीद के परिजनों का सम्मान भी किया। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव पुलिस लाइन में धूमधाम से मनाया गया। एडीजी राजीव कृष्ण ने तिरंगा फहराया। इसके बाद राष्ट्रगान के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की। एडीजी राजीव कृष्ण ने आजादी के इस पर्व पर पुलिस कर्मियों को लगन और ईमानदारी से कार्य करने की शपथ दिलाई। इस दौरान एडीजी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मेडल, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह मिलने पर पुलिस कर्मियों के चेहरे खिल गए। इस पर्व पर एडीजी ने आजादी पर्व पर शहरवासियों को बधाई दी। सबसे पहले आजादी के 75वें साल पूरा होने के बाद जो ये अमृत महोत्सव, अमृत काल मनाया जा रहा है, इस अमृत काल में मैं आगरा महानगर के आगरा जोन के सभी जिलों के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आजादी के इस पर्व पर पुलिस लाइन में झंडा फहराने के बाद एडीजी राजीव कृष्ण ने शहीद पुलिसकर्मी गिरीश की पत्नी पद्मा देवी और शहीद शिवराम सिंह की पत्नी समेत अन्य परिजनों का सम्मान किया। इसके साथ ही एडीजी ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का भी सम्मान किया। सम्मान का दिन है, अपने स्वतंत्रता संग्राम के जिन्होंने अपने प्राणों को उत्सर्ग किया, ऐसे त्यागियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे शौर्यवीरों के लिए उनके सम्मान का दिन है। और जहाँ पर जो भी उपस्थित है वो सभी राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दें, आगे बढ़ें, शांति से रहें, इसको संकल्प लेने का दिन है। मैं सभी को अपनी तरफ से, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर पुलिस लाइन में अलग ही नजारा दिखाई दे रहा था। कार्यक्रम के बाद एडीजी ने पुलिस कर्मियों को मिष्ठान खिलाकर बधाई दी। पुलिस लाइन में 15 अगस्त पर हुए कार्यक्रम के दौरान आईजी नचिकेता झा, एसएसपी प्रभाकर चौधरी, एसपी सिटी विकास कुमार के साथ अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।